हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड यू नो दैट वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश. वेलकम टू द चैनल ECLE. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे. और जो कल सैटरडे परसों सैटरडे की जो क्लास थी, फ्रेजल वर्ब की क्लास, मैंने ऐसी टेस्टिंग की थी कि कैसे आ रही है, तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला. तो कोशिश करूँगा कि एक आध क्लास में लाइव पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़े और आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैं कनेक्ट हो सकूँ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज की क्लास को. आज मंडे है, आज वकीब नहीं है. ओके, आज मैं वकीब नहीं लाया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको मैं वकीबलरी मैं लाइव पढ़ाऊँ. मैं शेड्यूल बना रहा हूँ कब वकीबलरी लाऊँ. कुछ अच्छी मस्त वाली वोकैबुलरी लाऊंगा आपके बीच में, ताकि आप उनका यूज़ करना सीख सके. क्योंकि हम लोग का वोकैबुलरी साथ में पढ़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, नए लोग आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं. इसलिए डायरेक्ट आज हम क्लास पढ़ेंगे. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ व्हाइल. क्या पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ व्हाइल. व्हाइल का हम यूज़ कैसे करते हैं हम सीखेंगे. यूज़ ऑफ व्हाइल का यूज़ सीखेंगे, क्योंकि इट इज़ द वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर स्पोकन इंग्लिश. आज मैंने थोड़ी सी कटिंग करा ली है और थोड़े से अजीब टाइप से, मतलब फिलहाल जो सामान्य तौर से टीचर्स रहते हैं वो इस प्रकार की कटिंग नहीं कराते हैं, लेकिन चलो मैंने सोचा मैं तो थोड़ी अभी टीचर हूँ, अभी तो मैं नया हूँ. ओके, सीख रहा हूँ, कुछ आपको सिखा रहा हूँ, कुछ मैं खुद सीख रहा हूँ. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, करा लो. अब भाई तूने आपने कर दी है तो चलो ठीक है, आपका भी धन्यवाद. ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना, वो तो मैंने ऐसी करा ली है. लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या टीचर से ऐसी कटिंग नहीं करा सकता क्या? बताओ आप, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? यस, कराना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द पर्सनल, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है. ठीक है, कंटेंट पढ़ा कैसे रहा है? ओके, अब टीचर वो उसका या पर्सनल होगा कुछ, मतलब करते हैं ना थोड़ा सा अलग, इसलिए मैं बात करूँ. चलो ठीक है, टॉपिक हटाते ही वाला. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. यूज़ ऑफ व्हाइल. ओके, तो यूज़ ऑफ व्हाइल क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ व्हाइल? व्हाइल का यूज़ हम कैसे करते हैं? तो आज हम व्हाइल का जो यूज़ करेंगे, देखो यहाँ देखो, थोड़ा सा मैंने बड़े बोर्ड में लिख दिया. यूज़ ऑफ व्हाइल का आज हम जो यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, कैसे करना है सेंटेंसेस में, बहुत ज़्यादा मस्त है और आपको भी आई थिंक इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, तो यूज ऑफ व्हाइल में. ठीक है, तो चलते हैं यूज ऑफ व्हाइल में. तो यूज ऑफ व्हाइल हम कैसे करते हैं, कैसे इसके सेंटेंस बनाते हैं, मैं कुछ बताता हूँ. एग्जाम्पल पहले फिर बताता हूँ. जैसे मैं चलते चलते रुक गया. मैं चलते चलते रुक गया. वह रोते रोते हंस गई. वह रोते रोते हंस गई. मैं घर पहुँचते पहुँचते पहुँच गया. बच्चे नाचते नाचते घर जाएंगे. हम चलते चलते दौड़ेंगे. वो बोलेंगे ना, क्या आप पढ़ाते पढ़ाते, क्या पढ़ाते पढ़ाते कॉमेडी करोगे? मैं सोता हुआ गाना गाऊंगा. बच्चे लिखते हुए किताब, बच्चे लिखते हुए मस्ती करेंगे. हम उड़ते हुए जाएंगे. क्या आप उड़ते हुए जाना चाहते हो? क्या मैं हंसते हंसते रुक गया? वह आते आते कहाँ गया? क्या तुम सामान खरीद बेचते बेचते थके नहीं? ऐसे हम यूज़ करते हैं, हंसते हंसते, थकते थकते, रोते रोते, नाचते नाचते, इस प्रकार का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. और हाँ, किसी में भी कर सकते हैं. तो एक इसका मेन एक फॉर्मूला है, हंसते हंसते, रोते रोते, गाते गाते, सोते सोते, नहाते नहाते, पढ़ते पढ़ते, होते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, नाचते हुए, और सॉरी ओके, ब्रश करते हुए, फ्रेश होते हुए, होते हुए, वीडियो पढ़ाते हुए, मैं आपको पढ़ाता हुआ कुछ करूँगा. ठीक है, तो इसका क्या है, ऐसी सेंटेंस बनाएंगे यूज़ ऑफ व्हाइल में. ठीक है, तो आया समझ में ना? आ गया. चलो तो इसको मिटा दें, फिर हम सेंटेंस बनाना हम बताते हैं. और ये भी हम इस एक मतलब यूज ऑफ व्हाइल में आप किसी भी सेंटेंस का अपन यूज़ उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला देखो. सबसे पहला फॉर्मूला क्या, एक ही फॉर्मूला है. ठीक है, यूज ऑफ व्हाइल में कितना फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला है. क्या है?
while plus can you see, can you watch, okay, while plus verb का first form plus ing, ठीक है, while plus verb का first form, शायद यहाँ चमक आ रही हो, थोड़ा बीच में काट पाऊँ, ठीक है, ऐसा ना, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, क्या है, while plus verb का first form plus ing plus next sentence, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, while plus verb का first form plus ing plus next sentence, sentence आपका किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, मॉडल हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, किसी भी प्रकार हम कर सकते हैं, व्हाइल प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस नेक्स्ट सेंटेंस, आए समझ में, आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ, क्या आएगा, व्हाइल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इतना रहेगा सेम, ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट सेंटेंस आगे का जो सेंटेंस है उस हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, बनाने हैं, ठीक है, आए समझे, इसको मिटा दूं क्या, चल फिर स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लो 1 2 3 यस, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है, ओके, तो फटाक से बनाते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस लेते हैं, पहले सेंटेंस लिखते हैं, लिखने में मज़ा आता है थोड़ा सा, ठीक है, लिखते हैं, जैसे मैं चलते चलते घर जाऊंगा, मैं चलते चलते घर जाऊंगा, ठीक है, क्या आप पढ़ते पढ़ते सोएंगे, क्या आप पढ़ते पढ़ते सोते हैं, चलो ठीक है, क्या आप पढ़ते पढ़ते सोते हैं, हो सकते हैं, क्या वे रुकते 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 कैसे लिखते हिंदी में बताना क्या आप रुकते रुकते कैसे गए, क्या आप रुकते रुकते घर जा सकते हैं या रुकते हुए भी कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, खाते खाते आप नहीं आप बहुत हो गया खाते खाते रोमित सो गया खाते खाते सुमित सो गया, नाचते हुए वह थक गया, ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस मैंने तो ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ज़्यादातर इंडेफिनेट के बन गए, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला क्या है, वाइल प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम रहेगा, बाकी जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स, किसके स्ट्रक्चर के अनुसार वो बनेगा, ठीक है, आए समझे ना, बिल्कुल आ गया, चलो तो बनाते हैं, एक सेंटेंस कोई पकड़ लेते हैं, बनाते हैं, आपको इसका इसके एग्जांपल के स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, अपनी कॉपी में भी लिखें, नोटबुक साथ में है ना, यस रखेंगे, तो मैं चलते चलते घर जाऊंगा, क्या आप पढ़ते पढ़ते सोते हैं, क्या वे रुकते रुकते घर जाएंगे, खाते खाते समझ सो गया, नाचते हुए वह थक गया, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है बहुत सारे, ठीक है, एक कोई हम सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस हम कोई लेते हैं, उसके भी हम 6 सेंटेंस बनाएंगे, 6 प्रकार से बनाना सिखाएंगे, ठीक है, अब ये नहीं कहना कि आप 6 बार बनाते हो, ठीक है, 6 प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम, लेकिन उस प्रकार हम बनाते कैसे ये सोचो, ठीक है, तो
बनाए क्या? चलो बना ही लेते हैं, नहीं मानते हैं तो। मैं जागते हुए पढ़ाई करता हूँ। मैं जागते हुए पढ़ाई करता हूँ। ध्यान रखना, बनाना कैसे है देखना, ठीक है। मैं इस रेड पेन भी ले लेते हैं। मैं जागते हुए क्या करता हूँ? पढ़ाई करता हूँ। इस पे ध्यान देना, ठीक है। मैं जागते हुए पढ़ाई करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या वाइल वाला लेना पड़ेगा। पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं फिर बीच में, ठीक है। तो क्या आएगा? वाइल जागने मीन्स क्या होता है? अवेकिंग होता है ना। वाइल अवेकिंग आई, सॉरी प्लस लगा दिया, स्टडी। वाइल अवेकिंग आई स्टडी, मैं जागते हुए पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट बना लेते हैं, एक रेड एक लाल। मैं जागते हुए पढ़ाई नहीं करता हूँ। अब तो आप बना लोगे ना, जागते हुए पढ़ाई नहीं करता हूँ। बनाओ, मैं जागते हुए पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्या आएगा? रेड से बनाते हैं। वाइल अवेकिंग आई, जैसे बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे, आई डू नॉट स्टडी, ठीक है। बन गया ना? क्या है? अरे पेन गिर गया। क्या आप जागते हुए पढ़ाई करते हो? क्या आप जागते हुए पढ़ाई करते हो? क्या आप जागते हुए पढ़ाई करते हो? आ सकता है ना? सेंटेंस विल बी सेम, ये आपका सेम रहेगा। वाइल अवेकिंग, वाइल अवेकिंग डू यू, आप नहीं, मैं करना है, सॉरी मैं कर दूँ, ठीक है। डू आई स्टडी, बन गया ना? क्या आप जागते पढ़ाई नहीं करते हो? क्या आप या क्यों लगा रहा हूँ? मैं लगाना हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, दूसरे से पूछता हूँ। क्या मैं जागते हुए पढ़ाई नहीं करता हूँ? क्या मैं जागते हुए पढ़ाई नहीं करता हूँ? बन जाएगा ना? यस बन जाएगा। क्या आएगा बताओ। पेन चेंज कर रहा हूँ। वाइल अवेकिंग डू आई नॉट स्टडी, वाइल अवेकिंग डू आई नॉट स्टडी। अरे ये तो चार ही सेंटेंस बने, थोड़ा ज़्यादा यार वो कर दिया, ठीक है। चलो बनाते हैं। मैं जागते हुए पढ़ाई क्यों करता हूँ? मैं जागते हुए पढ़ाई, मतलब वैसा तो कहना चाहिए रात में जागते हुए क्यों करता हूँ। अब रात में आप खुद लगा लेना, ठीक है। अब कर दिया मैंने, तो कहेगा आई थिंक इससे थोड़ा रेड से थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। वाई डू आई स्टडी, हो गया ना? पांच सेंटेंस तो बना लिए। लेकिन अब जगह की हो गई थोड़ी सी कमी, देयर इज नॉट स्पेस। बना लेते हैं फिर भी। क्या जागते हुए या मैं जागते हुए, ठीक है, कोई भी आ सकते हैं। चलिए हिसाब से बनाओ। मैं जागते हुए पढ़ाई क्यों नहीं करता हूँ, तो क्या आएगा? वही आएगा, वाइल, देख पा रहे हो, इससे लगते हैं, वाइल
awaking, do I not? Sorry, why do I not? Why do I not study? इस प्रकार के अपन को सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट जो रूल ऐसे ही है, रूल ऐसे ही, सबसे पहले आपको हुए, करते हुए, नाचते हुए, सोते हुए, चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, हंसते हंसते, गाते गाते, राते राते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसते हंसते रास्ते कट जाते हैं, या उसने हंसते हंसते रात निकाल दी। तो देखो, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा अब सी एस बोलो, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें क्या है कि जो आपका अवेकिंग है, सॉरी, ये आपका जो वायल है, इस सब में आप देख रहे होंगे, सब में फर्स्ट आगे ही होगा। इस सेंटेंस की क्या है, ये खासियत है, देखो इसमें, इसमें भी यही है कि मैंने इतना सारा बताया लेकिन सम में वाइल प्लस आईएनजी, अरे आराम से बेटा, आराम से, ओके। तो इसमें सम में क्या है, इसमें सम में वाइल, जो वाइल वाले फॉर्म है वो सब सेंटेंस के सम में आगे है, देखो सम में है ना, यही है मैन, बाकी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप यही है सब, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द सेंटेंस, पहले लिखा होगा फिर दिमाग से फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस दूं, ठीक है, बनाओगे, बनाओगे ना, चलो बनाते हैं। क्या आप पहले मैं खुद सोच लूँ ना, ओके, क्या आप लिखते हुए बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्या आप लिखते हुए बच्चों को पढ़ा सकते हो, बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो, चलो एक से बनाओ, ठीक है। आप लिखते हुए, ये हो गया है ना, लिखते लिखते कर लो, क्या आप लिखते लिखते आप लिखते लिखते बच्चों को पढ़ाते हो, आप लिखते लिखते बच्चों को पढ़ाते हो, क्या आएगा, आप पढ़ा सकते हो, सकते हो ना, राहुल कॉन्सेंट्रेट ऑन द टीचिंग, कहाँ सोच रहे हो, आप लिखते लिखते बच्चों को पढ़ाते हो, पढ़ा सकते हो, क्या आएगा, वाइल राइटिंग यू कैन टीच चिल्ड्रन, आप लिखते लिखते बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, वाइल राइटिंग यू कैन नॉट टीच या यू कांट टीच, क्या आप लिखते लिखते बच्चों को पढ़ा सकते हो, वाइल राइटिंग कैन यू टीच, क्या आप बच्चों लिखते लिखते बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, वाइल राइटिंग कैन यू नॉट टीच चिल्ड्रन, आप लिखते लिखते बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, कैसे सकता हूँ, कैसे पढ़ा सकते हो, क्या आएगा, वाइल राइटिंग हाउ कैन यू टीच चिल्ड्रन, आप लिखते लिखते बच्चों को कैसे नहीं पढ़ा सकते हो, क्या आएगा, वाइल राइटिंग हाउ कैन यू नॉट टीच चिल्ड्रन, आराम से बताया ना। इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आपको जो वाइल वाले सेंटेंस है, आपको बहुत सारा दिमाग लगाओ, बहुत सारा सोचो, थिंक करो, बनाओ, ठीक है। तो जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँ, ठीक है, तो एक्शन आपको लेना है, इफ़ यू आर सीरियस, यदि आप सीरियस हैं तो आपको 50 बनाना, ठीक है, एक की 6 बनाया है ना मैंने, इसी को देख के आप मिक्स बना सकते हो, 50 सेंटेंस आप बनाओ, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत मज़ा आता है सेंटेंस बनाने में, लिखते लिखते, नाचते नाचते, सोते सोते, गाते गाते, हंसते हंसते, उड़ते उड़ते, होता है ना, आता है ना भाई, आपको भी आई थिंक आता होगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप बनाना है, ओके, और फिर हम आज की क्लास, आई होप अगर इसको डाउट हो कोई किसी प्रकार का, इफ यू हैव एनी डाउट्स पूछो, यू कैन आस्क टू मी, मुझसे क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कहाँ, कमेंट बॉक्स में, इसी आई का टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछो, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक पे जाओ, यू हैव द लॉट्स ऑफ द ऑप्शन, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है,
और मैं कोशिश करूँगा वकीफ की एक शूल बनाऊँ जो मॉर्निंग में या इवनिंग में या आफ्टरनून में वकीफ की फ्रेजल वर्ब है, जो अदर जो क्लासेस अच्छी कौन सी उसको मैं लाइव पढ़ाऊँ। सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, मुझे पता है कभी स्टार्टिंग में एक या दो तीन चार हो सकता पाँच या छः, लेकिन आए तो सही कम से कम आए तो सही, देखो आए तो सही, कम्युनिकेट होंगे ना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसे लगी मैंने बता दिया, यदि आपने इस क्लास को शेयर करना चाहते हो तो कर दो अभी, ठीक है, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलना ना पड़ा, लेकिन कर लो सब्सक्राइब, कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह आप शेयर करो अपने दोस्तों, तो यूट्यूब पर तो नहीं कर सकते लेकिन अपने दोस्तों तक करो, सोशल मीडिया का खूब सारा यूज़ करो, तो ये आपका अच्छा मौका है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसीलिए का जो बैच है ना पूरा 80-90 वीडियो होगा, 90-100 भी वीडियो होने वाले हैं, ठीक है, इस वीक में अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, आप चाहो तो हो सकता है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अपना खूब सारा ख्याल रखें, ओके, और खूब सारे सेंटेंस बनाएं, पढ़ाई करें, थैंक यू वेरी मच।